समुन्दर को फाड़ दिया यार, और बहुत जमीन पर चले गए, यरदन नदी फट गई, आसमान को जरों का खुल गया, पानी 3.5 साल नहीं गिरा, पानी जब बोलो गिर गया, जैसे बोलो हो गया, चले गुफा में घुस गए, वहाँ पर भी जिंदा है, और तू एक खाना खाकर 14 दिन चला गया, इतने दूर चला गया एलिया, तेरे पास शक्ति कहाँ से आई, और उतने दिन चल के आ गया, और लौटते समय पता नहीं फटाक से आ गया, हवा में उड़ के आ गया कि क्या आ गया, ये सारी चीज़ें हो रही कहाँ से हो रही है, विश्वास से हो रही है, और ये विश्वास का मालिक कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे दयालु कृपालु परमेश्वर, तेरी उपस्थिति को चाहते हैं, तेरी आत्मा को चाहते हैं, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को नमस्कार। यीशु सहाय। आज अपन एक गीत सुनेंगे, प्रभाती मोती का ही गीत सुनेंगे, और ये गीत लंदन में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें हारमोनियम तबला और साइड में सेल्फ हेल्प के लिए गिटार और अकॉर्डिंग है, लेकिन एकदम सिंपल टाइप का रिकॉर्डिंग है, ये ओल्ड रिकॉर्डिंग जिसको बोलते हैं, ओल्ड गाना। इसी गाने को मॉडर्न स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया गया है, और उसमें म्यूजिक में सारी चीज़ों में अंतर आप देख सकते हैं। पहले अपन ओल्ड वर्सन को देखेंगे, और आखिरी में जो है इसी का नया वर्सन, फिर से वही गाना को अपन सुनेंगे, ये मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ।
आज मैं आपसे कुछ खास बात करना चाहता हूँ। खास मतलब वैसे ही जो प्रैक्टिकल चीज़ें हमारे जीवन में जो फायदे की चीज़ें, उसके मैं बात करना चाहता हूँ, अपने अनुभव को शेयर करना चाहता हूँ। मैं जैसा समझता हूँ वैसे मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, कोई भी रंग का हो, कोई भी देश का हो, कहीं भी, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी ऊंच नीच, जहाँ कहीं का भी हो, लेकिन उसको हर एक किसी न किसी पर विश्वास करता ही है। चाहे धार्मिक विश्वास हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे दोस्ती में हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। बिना विश्वास के काम नहीं चलता है। जैसे अपन भी कार चला रहे हैं, कार में बैठे हैं तो कार पे हमारा विश्वास है, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन पे हमारा विश्वास है, प्लेन में जा रहे हैं एरोप्लेन में, उस पे हमारा विश्वास है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा विश्वास है कि ये हमको अपने गम्य स्थान, गंतव्य स्थान तक हमको पहुँचा देगा, एक भरोसा हम रखते हैं। वैसे ही हमको मसीही जीवन में भी हमारे अंदर में एक विश्वास होना चाहिए। विश्वास कैसे? ये विश्वास हमारे अंदर में जब तक नहीं होता है, तब तक हम आगे अपने धर्म काम में, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। मसीही जीवन जो है विश्वास पर आधारित है। जैसे कि मैं, अपन सबको मालूम है कि विश्वास का चैप्टर क्या है, इब्रानियों का खत 11वां अध्याय, और 11वां अध्याय का पहला वचन तो हम सबको मालूम है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा करता हूँ कि आप मेरे यहाँ आओगे। अब आ गए, उसके बाद तो आशा जरूरत नहीं, आशा करता हूँ मतलब एक आशा है। और ये आशा का कुछ हमको क्या करना चाहिए, इस कुछ वस्तुओं का मतलब, वस्तु मतलब देखिए, आशा जो है एक नॉट सर्टेन, अनसर्टेन चीज है, और जिसको अपन मान के चलते हैं। वस्तुएं जो कहा है एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, जो वस्तु हमारे अंदर में आना चाहिए, वस्तु हमारे अंदर में, हम जिसके संबंध में विचार करते हैं। इसका एक निश्चय है, मतलब निश्चय जो है एक एजम्पशन है, अनुमान है जो कि हम करते हैं। और ये जो है, ये निश्चय जो है जब हम करते हैं तो ये अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीज़ नहीं देखे हैं उस चीज़ का ये क्या है कि प्रमाण है, एविडेंस है। और ये चीज़ जो एविडेंस है, इसको हम क्या करेंगे, जो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण को हम क्या कहेंगे, हम विश्वास कहते हैं, ये विश्वास। लेकिन एक चीज़ है कि जब हम मसीह को देख लेंगे तो ये विश्वास भी खत्म हो जाएगा और प्रेम ही चालू रहेगा। पहले कुरंती 13 के आखिरी में दिया हुआ ना, विश्वास आशा प्रेम, ये तीनों स्थाई है, लेकिन प्रेम सबसे महान है। मतलब आशा भी खत्म हो जाएगा, विश्वास भी खत्म हो जाएगा, प्रेम बना रहेगा क्योंकि हम मसीह के साथ जुड़ेंगे, देखेंगे जो सोचते थे, जैसा समझते थे, जैसा अंदाज था, जैसे मैं सपना देखता था, जैसे मैं विचार करता था, जैसे मैं दुआ करता था, जैसे मैं उसके अदब में रहता था, जब उसके भक्ति में रहता था, उसका मनन करता था, वैसे एक तस्वीर मेरे दिमाग में था और जिसको मैं चाहता था, मैं उसको देख लिया। अब देख लिया तो विश्वास भी खत्म, आशा विश्वास सब खत्म हो गया। लेकिन क्या है, एक हमारे अंदर में एक प्रेम बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा रिलेशन हो गया, हम उसको देख लिए, उसके चरण पकड़ूंगा, चूमूंगा और मैं जो भी करना करूंगा क्योंकि प्रभु मेरा, प्रभु मुझे मिल गया है, मेरे सपने का सपना साकार हुआ है, बोलते हैं ना, मतलब आई हैव अचीव्ड माई गोल, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हूँ। एक देखिए बाइबल के कुछ सिद्धांत है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन्स ऑफ द बाइबल कहते हैं, डॉक्ट्रिन्स है। वैसे भी सोसाइटी, सोशल डॉक्ट्रिन्स भी कुछ है जिसको शायद डॉग्मा ऐसा कुछ बोलते हैं शायद, मतलब उसमें समाज के कुछ नियम है, समाज के नियमों को हम मानते हैं, अच्छा काम करना चाहिए, दान देना चाहिए और गरीबों की सुधी लेना चाहिए और जिसको नहीं पढ़े उनको पढ़ाना चाहिए और समाज में काम करना चाहिए, सफाई रखना चाहिए, जो भी है प्रेम फैल, ये सारी चीज़ें हम करते जा रहे सब करते हैं, लेकिन किंतु बट परंतु जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता ये सारे काम बेकार हैं। लेकिन एक चीज है, यदि विश्वास हमारे अंदर में है तो फिर ये सारे काम हमारे काम के हैं। मैं तो समझ गया ना, मैं जो बता रहा हूँ, जब विश्वास हमारे अंदर में है उसके बाद हम ये काम करते रहते हैं, क्योंकि बिना कर्म के विश्वास भी व्यर्थ है, याकूब में कहता है। मतलब या हमारे विश्वास के साथ हमको काम भी चाहिए। जैसे विश्वास करिए अपन क्या कि कमरे में आग लगी है, मैं बैठा हूँ, विश्वास है मेरा कि प्रभु मुझे बचा लेगा, बैठा ही हुआ हूँ, ये क्या है, ऐसा करता है क्या? तेरे को मैं बताऊं, मैं दुआएं करूंगा, आग लगी, खुदा दरवाजा दिखा, मैं किधर से भागूं, किधर से निकलूं, किसको बचा लूं, ये चीज मतलब कुछ अपने को अपने तरफ से एफोर्ट करना पड़ता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। अब देखिए आप, मतलब ये हुआ कि फेथ डज नॉट चेंज गॉड्स पोजिशन, परमेश्वर के स्थिति को विश्वास नहीं बदलता है।
विश्वास परमेश्वर की स्थिति को नहीं बदलता है, लेकिन विश्वास जो है हमारी स्थिति को बदल देता है। बोलते हैं फेथ चेंजेस आवर पोजिशन, हमारी स्थिति को बदल देता है। हमारे अंदर में विश्वास है तो हमारी स्थिति को बदल देता है। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना हमारे अंदर में, फिर सारी चीज़ों का मतलब सब चीज़ें खत्म हो जाती। मैं आपको आगे बताऊंगा इसको, देखिए, और इसको थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता, इसको सरल करने की कोशिश करता हूं कि मेरे समझ में आ जाए, व्यवहारिक जीवन में मैं इसको कैसे अपनाऊं, कैसे पालन करूं, कैसे रखूं, ये समझना चाहता हूं मैं। जैसे और एक शब्द आता है भरोसा, जिसको इंग्लिश में बोलता है ट्रस्ट। मतलब मैं क्या पढ़ रहा था कहां पर, फेथ प्लस होप इज इक्वल टू ट्रस्ट। मतलब विश्वास और आशा ये दोनों मिलेंगे, मतलब विश्वास धन आशा बराबर भरोसा। बड़े भरोसा मतलब क्या हुआ कि भरोसा और थोड़ा आगे स्टेप है, मतलब ये सब एक चीज नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एक आशा है, आशा के बाद जो है विश्वास है, विश्वास के बाद जो है भरोसा है। भरोसा मतलब उस पर मेरा पूरा यकीन। मैं देखिए आपको बताता हूँ, डोनाल्ड पंत जो है हागे इंस्टीट्यूट के जो एरिया डायरेक्टर थे, वो अपने यहाँ थे और उस समय क्या काम किया था यार, वो अभी डायबिटीज़ है बेचारा, डायबिटिक है और डायलिसिस पे है। उसके लिए आप अपने प्रतिदिन दुआओं में उनको याद करिए, हम सब जानते हैं उनको। और उसके समय में कहाँ छोटा बड़े शहर कहाँ कहाँ सेमिनार नहीं हुआ, कहीं हुआ। मैं तो कई जगह मैं भी गया हूँ, लेकिन इतने जगह गया है, उसने नेशनल सेमिनार किया, स्टेट सेमिनार किया, वीकेंड सेमिनार किया, और जो सेमिनार हर एक जगह करते रहा। कम्युनिकेशन पढ़ाता था मैं कई जगह उसके पास जाके, करीब करीब 50 एक्ट तो मैं कर दिया, और वो पता नहीं 150, 200, 250, 1000 कर चुका है। उन्होंने राजनांदगांव में जब थे, संडे को सर्विस ले रहा था, तो उसने, मेरा छोटा भाई है इसलिए मैं उसने कर दे रहा हूँ, उसमें उन्होंने भी ये एक बताते हुए, विश्वास के बारे में बताते हुए एक ट्रस्ट को लेकर एक एग्जाम्पल दिया था जो मेरे दिमाग में बैठा है, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। एक आदमी नायग्रा जलप्रपात पे इधर से उधर, या बड़े जलप्रपात खाई पे इधर से उधर रस्सी बंधा हुआ है, बांस लेकर उस पर चलते चलते उधर गया, उधर से इधर आ गया, पूरी पब्लिक है ताली बजाए खूब। और उसके बाद बोले कि, उसने बोला कि आप विश्वास करते हो मुझ पर कि मैं इधर से उधर जा सकता हूँ, आ सकता हूँ? बोले हाँ। क्या विश्वास की जरूरत है यार, देख लिए, यू कैन डू इट, यू हैव डन इट, तूने उसको कर लिया करके बताया। और ऐसा चलो ठीक है, तो बोले सब करते हो, हाँ हाथ उठा, सब लोग हाथ उठा दिए। उसने बोले यदि इतना विश्वास है तो कोई आओ जो कौन है जो आके मेरे कंधे पे बैठेगा, मैं फिर उसको लेके जाऊंगा और उसको लेके आऊंगा। कहा गया, खत्म। क्योंकि विश्वास है, आशा थी कि ये कर लेगा, विश्वास हो गया कि देख लिया हम, विश्वास भी है इसके ऊपर कि कर लेगा आगे, लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि मुझको वहां बैठना है, वो काम को करना है। याद रखना, ये भरोसा जो है, मतलब वो भजन संहिता उसका 32:10 में एक लेता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। और मैं बताता हूं भाई, नीति वचन प्रोवर्ब्स उसका 3:5 में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इधर से मत लेना, पूरा भरोसा उसके ऊपर रखना। वो कंधे बैठ पार करा देगा, लाएगा, दौड़ेगा, निकल जाएगा, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, सृष्टि करता है, सारी सृष्टि को रचा है, उसने संसार को बनाया है, मुझको बनाया है, तुझको बनाया है, हमको बनाया है, जीवित रखा है, चलते फिरते हैं, सोचते समझते हैं, सारी चीजें हैं, दुख तकलीफ में भी साथ में है, सुख में भी साथ में है, सारी चीजें दिया है, आनंद करने का सेंसेशन दिया है, हमारे आंख से आंसू बहाने के लिए वो आंसू दिया है, हमारे कानों को सुनने के लिए, आवाज सुनने जाने के लिए उसने हमारे कानों को रखा है, हमारे दिल को रखा है, हमारे दिल के दरवाजे पे खटखटाता है, ये सब करता है। और वैसे ही देखिए भजन संहिता उसका 56:4 में कहता है, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। मतलब जब यहोवा मेरे साथ में है तो मुझे कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब चारों तरफ से घेर लिया है यार, चारों तरफ से पूरा फंसा के हमको सेफ कर दिया है सारी चीजें। जैसे रोमी 8:28 में ये कहता है ना कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न कर। ये मैं टाटा में था, बेल्डी चर्च में, वहाँ पादरी साहब थे, और शाम के टाइम उनके पास खबर आया घर से कि उनके भाई को पुलिस ने अरेस्ट करके ले गया,
चिंतित दिखा दी। मैं बोला पास साहब डरिए मत, घबराइए मत, सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होती है। तो उसने कहा प्रोफेसर साहब आप पढ़ो और आगे भी पढ़िए, आप आगे लिखा हुआ है अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उसके बताए अनुसार चलते हैं, उसके मार्ग पर हैं, उन्हीं के लिए भलाई होती है, सबके लिए नहीं होती है। ये मेरा भाई जो है उस लायक नहीं है, वो उसके बहुत बुरी आदतें हैं, बुरी संगति में है, लेकिन क्या करें, उसके लिए दुआ कर सकता हूँ, परमेश्वर उसको भी बदल सकता है। फिर ऐसा करके उन्होंने भी भरोसा दिया, मैंने भी उनको भरोसा दिया। याद रखना कि ये एक जो है सारी बातें मिलकर, मतलब सारी बातें, सारी चीज़ें, हमारे सारे आपदे, सारी चीज़ों को उसने इंश्योर कर दिया, ये सही शब्द है। देखिए जैसे मतलब कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस बोलते हैं ना, गाड़ी में आग लग जाए, पानी में चले जाए, पत्थर पड़ के चुल जाए, ओले बरसात में आ जाए, कहीं डूब जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई मर जाए, कोई हम पे चढ़ दे, कुछ भी हो जाए गाड़ी को, कुछ भी हम इंश्योरेंस कवर करेगा, क्योंकि सारी चीज़ों का इंश्योरेंस किया है, वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है जिसको प्रभु ने हमारा किया है। मतलब ही हैज डन कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस टू अस, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस हुआ है, मतलब ये हुआ है कि हमारी पूरी सिक्योरिटी, पूरी चीज़ हमारे अंदर दिया। देखिए हम कहीं भी रहे, कुछ भी रहे, यदि हमारा विश्वास उसके ऊपर है ना, तो उसकी नज़र हम पर बनी रहती है, हमको पता नहीं चलता है कि देख रहा कि नहीं देख रहा, लेकिन वो देख रहा। मैं एक इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण क्या बाइबल से ही बताना चाहता हूँ। देखिए मत्ती रचि सुसमाचार उसका 14 अध्याय निकालिए और उसका 22 से लेकर आप 30-32 पूरी पैराग्राफ को आप पढ़ लेना बाद में आराम से, सबको मालूम है, और जो नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ, इसको निकाल के आप पढ़िए जो कि नए नियम में मत्ती में मिलता है 14 अध्याय में उसका 22 से लेकर। ये मरकुस में भी मिलेगा 6वें अध्याय में, यूहन्ना भी मिलेगा 6वें अध्याय में, जो भी है। लेकिन ये जो यहाँ पर ये क्या हुआ है कि ये प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को जब वहाँ लोग विदा करके, वहाँ लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गया, और जिन चेलों लोगों को नाव पे सवार करके उसने विवश किया कि उसके पहले वो चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करके और निपट के आता हूँ, मैं अपना दुआ रूटीन पूरा करना है। देखिए ये एक तो एक दिखाता है कि डिवोशन का टाइम जो है यीशु मसीह ने बताया है परमेश्वर के साथ, पिता के साथ कनेक्शन को बनाए रखने के लिए, वो प्लग इन करने का टाइम जो है वो बराबर रखे रहता है। यहाँ चेलों को बैठा के भेज दिया और चेलों को बैठा के भेजा, अब क्या हुआ है, ये आंधी आ गई, तूफान आ गया, आंधी तूफान आ गई है, और ये आधी तूफान में फंसे हुए हैं। चौथे पहर में यीशु आ रहा है, और जो आ रहा है यीशु आर बचाने को, मुझको बचाने को आ रहा है, और मैं उसको नहीं पहचान रहा हूँ। ये है मेरी औकात, ये है तुम्हारी औकात, ये है मनुष्य की कमजोरी, ये है अविश्वास, ये है हमारे अंदर में पाप, ये है हमारे अंदर में आदम का बीज। प्रभु यीशु मसीह आ रहा और उसको नहीं पहचाने तो ठीक है यार, लेकिन एकदम वर्स्ट कि भूत समझने लगे, हद हो गया। लेकिन फिर भी यीशु मसीह देखो आया। एक चीज़ मैं यहाँ पर बली, मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ बहुत मार्के की ये देखना, मैं देखा, आप भी पढ़े होंगे, देखे होंगे कि यीशु मसीह आया, लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि आंधी थम गई, आंधी को थाम दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यीशु मसीह आया, आंधी चालू है, तूफान चालू है, रहने दो। लेकिन यीशु मसीह की खूबी यह है कि उस आंधी तूफान में आता है और मुझको सहारा देता है, मुझको बचाता है। मतलब ये परेशानियां जो हमारे संसार में है, ये चलने दो, ये चल रही है, ये आंधी चल रही है, उसके बीच में भी हम अपने नाव में है, हम डगमगा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है, मुझे कुछ नहीं। पतरस तो बोलता है कि मैं आऊं क्या, और उसने बोला आ, मतलब he has given the permission even though that fellow started drowning, ये उसको मिल गया परमिशन, उसके बाद भी, मतलब परमिशन के बाद भी हम जाते हैं ना, तो भी हम गिरते हैं, लेकिन उसके बाद भी अकल का काम एक हमको करना चाहिए, जैसा कि वो अंधे ने कहा, बर्तमी तिमई का पुत्र बर्तमई ने जो बोला, या फिर ये बोलता है, कैसे बोलता है, हवा को देखा डर गया तो डूबने लगा, और डूबने लगा तो सबसे पहले क्या किया, चिल्ला कर क्या बोलता है, हे प्रभु मुझे बचा। बस एक फार्मूला मेरे पास में है, हे प्रभु मुझे बचा, और वो तो बचा लेगा। मतलब जीसस डिडंट स्टॉप द विंड, उसने विंड को, स्टॉर्म को बंद नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह की एक नजर, सहायता वाला हाथ वहां पर इनके साथ में है। मतलब क्या हुआ कि हर प्रकार से हमारी रक्षा करता है, हमारी देखरेख करता है। मैं जहां से रहूं
जगे रहूं, सारी बात कही भी रहूं, कुछ भी करूं, लेकिन वो हमारे साथ में रहता है, ये हमारा विश्वास उसके ऊपर से हटना नहीं चाहिए। मैंने विश्वास की कई प्रकार के कॉलोकियल चालू भाषा की डेफिनेशंस पिछले अपने लेक्चर्स में दिया हूंगा, तो सब रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन इतना है कि देखिए हमारे अंदर में एक विश्वास चाहिए, और विश्वास जब तक हमारे अंदर में नहीं है ये कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उसने क्या कहा, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, किसको, पतरस को, हाथ बढ़ाकर थाम लिया, मतलब वो गिरते हुए को पकड़ा। और जब यीशु मसीह का हाथ हमारे हाथ में आ जाए ना, फिर तो डूबने का सवाल ही नहीं उठता है। चाहे घोर अंधकार भरी तराइयों से चलूं, तो भी मुझे कोई भय नहीं, मतलब ऐसे जो वैली शैडो ऑफ डेथ बोला ना, उससे भी होकर चले तो कोई डर नहीं है। क्योंकि जब देखा बच्चा जो है अपने माँ या बाप का हाथ पकड़ ले तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, फिर तो कोई डर ही नहीं है, मेरा बाप मेरे साथ में है, मेरी माँ मेरे साथ में, माँ के साथ में अंधेरे में चले जाए, माँ डर रही है लेकिन बच्चा को डर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि मेरे को क्या, मेरी माँ मेरे साथ में है, मुझे कोई डर नहीं है, मतलब घोर अंधकार भरी तराई से चलूं तो भी मुझे कुछ डर नहीं है, मुझे बचा लेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, जब तक हमारा विश्वास उस पर है वो हमें छोड़ेगा नहीं, और जब तक हम इस संसार में हैं ये आंधी तूफान आते रहेगा, ये अड़चनें आती रहेंगी, बीमारियाँ आती रहेंगी, तड़पाहट आती रहेगी, पैसों की तंगी होती रहेगी, और चाहे जो भी हो, स्पिरिचुअल हो, फिजिकल हो, सोशल हो, मेंटल हो, रिलेशंस बिगड़ते रहेंगे, जो भी है, ये सारी परिस्थितियों के बीच में भी वो हमारी सहायता करता है, हमें छोड़ता नहीं है, उन परिस्थितियों को रोक नहीं देता, लेकिन हमको उन परिस्थितियों पर विजय पाना सिखा देता है। उस आंधी तूफान को रोका नहीं है, लेकिन उसमें से निकल जाने का रास्ता बताता है, निकाल देता है, रास्ता क्या बताएगा, हाथ पकड़ के निकाल देता है, डूबते हुए को बचा लेता है। तो जब बचा लिया, तब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा फिर थम गई। कब थमी? जब नाव पर चढ़ गया, जब यीशु मसीह इस नाव पर आ जाएगा हमारे जीवन के, तो सारी हवा आंधी थम जाएगी, आएगी तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सुरक्षित हैं, और वो जो है हमारा माजी है, हमारा पतवार है, हमारा मालिक है, हमारा अन्नदाता है, हमारा सर्वे सर्वे है, उस पर विश्वास करेंगे तब हो जाए। और एक चीज़ मैं आपको जल्दी से बता के ख़त्म करूँगा, वो एक चीज़ हमको वो भी मालूम है, फेथ ऑफ अब्राहम, अब्राहम का विश्वास जो है इसको अपन समझ सकते हैं, और अपने मालूम उत्पत्ति उसकी 22वें अध्याय को पढ़ते हैं ना, तो वो पूरा उसमें दिया हुआ है। देखिए अब जैसे कि इब्रानियों का खत 11 अध्याय पढ़ो, तो उसमें अब्राहम को भी दिया, सारा का भी दिया, अनोख का भी, सब विश्वास के बारे में बोलता गया, कई लोग का नाम छूट गया, मूसा का भी दिया, लेकिन जो भी है उसने दिया है कि आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और ये कैसे कैसे लोगों ने विश्वास किया, कैसे विश्वास करके ला, समुद्र को फाड़ दिया यार, और बहुत जमीन पर चले गए, यर्दन नदी फट गई, आसमान खुद झरों का खुल गया, पानी 3.5 साल नहीं गिरा, पानी जब बोलो गिर गया, जैसे बोलो हो गया, चले गुफा में घुस गए, वहां पर भी जिंदा है, और तू एक खाना खाकर 14 दिन चला गया, इतने दूर चला गया एलिया, तेरे पास शक्ति कहाँ से आई, और उतने दिन चल के आ गया, और लौटते समय पता नहीं फटाक से आ गया, हवा में उड़ के आ गया कि क्या आ गया, ये सारी चीजें हो रही कहाँ से हो रही है, विश्वास से हो रही है। और ये विश्वास का मालिक कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो है। या अब्राहम का देखें, अब्राहम को एक तो लड़का नहीं था, अब जब लड़का हुआ 75 ईयर्स में शायद अब्राहम को उसने बुलाया, और बुलाने के बाद 100 साल वो अब्राहम प्रभु के साथ में, परमेश्वर के साथ में चला, मतलब इफ यू वांट टू वॉक लाइक अब्राहम, उस विश्वास में चलना चाहते हो, ये 100 साल चला, 100 साल उसमें टिके रहना मजाक बात नहीं है, 75 साल, 175 में उसकी डेथ हुई, आराम से मरा। लेकिन एक चीज देखना कि अब्राहम जो है इसको एक लड़का दिया, और लड़का देने के बाद उसको बोलता अब तू मेरे को दे, इसने पूछा भी नहीं कि क्या क्यों दूं, लेकिन वो क्या उसके पीछे पीछे चले गया, लड़के को लेके चले गया, लड़का भी इतना ईमानदार है कि उसने पूछा नहीं अपने बाप से बलि कहाँ है, वो भी चला गया आज्ञाकारी, कोई बात नहीं, वहाँ जाकर लड़के को बांध रहा है तो भी लड़का कुछ नहीं बोला, बांध के वेदी पर रख दिया लकड़ियों के ढेर पर कि उसको मारेगा, और वो मारने के लिए तैयार है, तो भी लड़का कुछ नहीं बोल रहा, अब्राहम कुछ नहीं बोल रहा। 22वां अध्याय को आप पढ़ना पूरा, उसमें क्या बोलता है अब्राहम, बोलता है कि मैं और ये लड़का जाकर
अब लौट के आएंगे तुम लोग यही रहना, मतलब आगे तुम लोग मत आना, मैं आगे चलता हूँ और लौट के आऊंगा, मतलब उसको ये फेथ है कि परमेश्वर कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि फिर भी क्या है, अय्यूब ने क्या किया, तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम धन्य हो, उसने दिया, उसने वैसे सोच के देखो तो इसके पास क्या था, कुछ था ही नहीं, लड़का बच्चा था ही नहीं, लेकिन उसने दिया और दिया है तो फिर ले लिया तो ले लेगा, उसका अधिकार है, मेरे को आप जरूरत था आपने पैसा दिया फिर मांग के मेरे से ले लिए, तो मेरे को अखंडने की बात नहीं, क्योंकि आपका पैसा है, आपने लिया, आप दिए थे आपने लिया, परमेश्वर दिया परमेश्वर ने लिया, ये सोचो तो लड़के को गया और उठाया मारने के लिए, छोरा तलवार जो भी है उसको बलि करने के लिए उठाया, और जैसे उठाया तो परमेश्वर ने देखा, वाह मेरा बेटे अब तू जीत गया, अब तू विश्वास में खरा उतरा है, अब तू विश्वासी है मेरा, मेरा आज्ञा का पालन करता है, विश्वास क्या करता है, हमें अनुशासन भरी जीवन देता है, मतलब फेथ टीचर्स अस एंड गिव्स अस द ओबीडियंस, ओबीडियंस हमारे अंदर में देता है, और कितना ओबीडियंट था दिया, तब परमेश्वर को मैं जैसे सोचता हूं, मैं आपके साथ बताता हूं, देखिए उसने कहा तेरे लड़के को उठा ले, अब देख मैं अपना लड़का तुझे दूंगा, वाह 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 वाह, फिर बोले तेरे लड़के के मरने से क्या लाभ होगा, वो तो मर जाएगा, काट देगा तो मर जाएगा, लेकिन मेरा लड़का मरेगा ना तो पूरे जगत का उद्धार करके जाएगा, तो इस लड़के को उठा ले, मैं अपने लड़के को भी उठा लूंगा, मैं कब्र से 3 दिन बाद निकाल लूंगा, और तू अभी इसको जीवता उठा ले, देख मैं उसको मारने के बाद भी 3rd दिन उठा लूंगा, और जगत का उद्धार करता रहेगा वो, ये लड़का को मरने से कोई फायदा तेरे को ना होने वाला ना मेरे को होने वाला है, इसलिए उसको खोल दे, इब्राहिम तू मेरा विश्वासी है, और तू विश्वास है, और तेरा संतान जो है समुद्र के रेत के कण के समान कर दूंगा, आसमान के सितारों के समान कर दूंगा, अनगिनत रेत के कण को गिन सकते हो क्या, ये पूरे संसार की जनता है अब्राहम की, और तारे जो है गिन सकते हो क्या, नहीं सब विश्वासियों का एक एक तारा जगमगाता हुआ, अब मेरे ऊपर तुम्हारे ऊपर है कि इस रेत के कण बनोगे कि उस आसमान के सितारे बनोगे, रेत के कण में रहोगे तो रेत में रह जाओगे, आसमान के सितारे रहोगे तो जगमगाते रहोगे, अनंत जीवन तुम्हारा होगा, अनंत जीवन मेरा होगा, तो ये है यहाँ पर अब्राहम से भी हम सीखते हैं, विश्वास हम सीखते हैं, विश्वास जब तक हमारे अंदर में नहीं है हमारा जीवन क्या बोलते हैं यूजलेस है, सेंसलेस है, मतलब कोई मोटिव नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई जीवने का कोई मतलब नहीं है, जीने का मतलब कब है, जब हमारे अंदर में विश्वास है, क्योंकि अनंत जीवन का हकदार मैं तभी हो सकता हूँ जबकि मेरे अंदर में विश्वास हो, और विश्वास कैसे हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे लिए उसको उस आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और ये स्वर्गीय जीवन हमको मिलेगा, एंड वन डे रादर वी आर गोइंग टू मीट हिम, हम उसको मुलाकात करना चाहते हैं, मुलाकात करेंगे और ये होगा, और जिसके लिए कि हम रुके हुए हैं, जिस घड़ी मैं प्रभु को देख लूँगा, जिस घड़ी तुम उसको देख लोगे, याद रखना कि सारी चीज़ें विश्वास है, आशा है, होप है, ट्रस्ट है, सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ों को हमने क्लियर कर लिया है, होप भी हो गया और उसके बाद फेथ भी हो गया, उसके बाद ट्रस्ट भी हो गया, अब उसके कंधे पर बैठ के हम जा सकते हैं, आँख बंद करके आराम से रहें, क्योंकि मेरा यीशु मसीह मेरे साथ में नाव में चौथे पहर में और रात के अंधेरे में वो बचाया, उसने हमको बचा लिया है, अब्राहम के उस लड़के को उस बेदी पर से उठा लिया, ये हमारा परमेश्वर है, ये प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह है जो कि हमारे लिए बलि किया, तू अब्राहम तू मार देता लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं देख अपने लड़के को दे रहा हूँ, हे पिता हे पिता हे पिता, प्रभु यीशु मसीह वहां से बोलते हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे पापों के कारण मेरे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर छोड़ दिया है, उसके बाप ने बाप से बेटा अलग हो गया है, और मेरा प्रभु यीशु मसीह जो कि निर्दोष है उस सलीब के ऊपर से कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्या वो क्षमा प्राप्त करने के हकदार हैं हम, क्या वो कुवत है हमारे अंदर में, क्या हमारे अंदर में इच्छा है, वो डिजायर है, आइए हम उसके सलीबी लहू से अपने को पवित्र करें और उस पवित्रता को हम प्राप्त कर लें, यीशु मेरे दिल में आ जा, गीत अपन सुने थे है ना, मुझे मतलब इतना डेडिकेशन के साथ वो लड़की गाई है कि
मैं तो बहुत आनंद से भर जाता हूँ उस आवाज को सुन के, बोली को सुन के। आइए हम उस गीत को फिर से सुनेंगे जो कि नए ढंग से बना हुआ है, और उसके बाद हम अपने सभा को दुआ के साथ हम खत्म करेंगे, और हम बाद में हमारे पादरी साहब के आशीष को भी ग्रहण करेंगे। आइए हम उस गीत को सुने। हमारे परमेश्वर, एक बार फिर तुझे धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं खुदा कि तूने हमारे इन बातों को हमारे अंदर में रखने की क्षमता तू हमें देगा और हमें अपने आशीषों से मामूर करेगा। तेरी उपस्थिति चाहते हैं खुदा, तेरी नज़र हम पर है यह मालूम है, मुझ पर है यह मालूम है। हम में से हर एक की तू सहायता कर, जितनों की तेरी आवश्यकता खुदा, एक एक को छू और अभिषिक्त कर। दुआ तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी सहभागिता आप सबों के संग जीवन पर्यंत प्रभु यीशु मसीह के आने तक होता रहे।